हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी नोट 11s में आप स्क्रीन लॉक कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में चले लेना है। सेटिंग्स में जाने के दोस्तों आपको यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन लॉक पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, पैटर्न, पिन, पासवर्ड। आपको जो भी लॉक सेट करना है कर सकते हैं। फिलहाल हम पिन सेट कर लेते हैं। पिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गॉट इट का ऑप्शन आएगी, गॉट इट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपना पिन एंटर करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर से पिन एंटर करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो स्क्रीन लॉक सेट हो चुका है। फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं तो कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका स्क्रीन लॉक सेट हो चुका है। अगर आपको इसे ऑफ करना है या फिर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे फिर से और यहाँ पर अपना पिन एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसे ऑफ कर सकते हैं। चलिए हम इसे ऑफ कर देते हैं। टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा।